तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं इस बहुत ही खूबसूरत से पौधे के साथ करना चाहती हूँ, जो कि है मैक्सिकन स्वॉर्ड प्लांट। और ये एक वाटर प्लांट है और ये कुछ टाइम पहले ही मैंने गार्डन में ऐड किया था। अब इसमें फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो गई है। बहुत ही सुंदर ये पौधा होता है और बहुत ही हार्डी भी होता है, तो जो लोग ज़्यादा केयर नहीं कर सकते उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे परमानेंट पौधे शेयर करने वाली हूँ जो कि अगस्त से लेके सितंबर मंथ्स में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो जो फर्स्ट प्लांट है वो है ये ड्वार्फ एलमेंडा। ड्वार्फ एलमेंडा या चाइनीज़ एलमेंडा हो या फिर इसे जो है हाइब्रिड एलमेंडा, इस तरीके से नर्सरी वाले इसको बुलाते हैं। और इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, ख़ास तौर पे अगस्त एंड से लेके आप सितंबर में जब तेज़ धूप होने लगती है, बारिश जाने लगती है, तब इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आपको देखने में मिलेगी। काफ़ी बंचेस में इसमें ब्लूम्स आते हैं। बहुत ही सुंदर ये पौधा होता है और कटिंग से भी आप इसे लगा सकते हो। जो भी आपने अभी तक एलमेंडा की कटिंग लगाई होंगी उन सभी से इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है और एक वाइट कलर के पत्तों में भी आता है, तो काफ़ी सुंदर ये पौधा होता है। फिर नेक्स्ट जो प्लांट है जो कि अगस्त एंड से सितंबर में आप इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग देखोगे, वो है ये खूबसूरत सा नाग चंपा। नाग चंपा ये जो है हाइब्रिड वैरायटी वाले आजकल नर्सरीज में मिलने लग गए हैं और ये वो वाला है नाग चंपा। वैसे देसी वाले भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और कटिंग से भी जो लोग लगाना चाहते हैं वाइट वाला जो कॉमन वाला होता है, तो बिल्कुल सही समय चल रहा है, आप लगा सकते हो। और प्लूमेरिया की कटिंग लगाने के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक मैं आई बटन पे दे दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हो। बहुत आसानी से ये लग जाता है, नाग चंपा हो चंपा हो सभी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है अगस्त सितंबर में। इसके अलावा आपको मधुमालती के पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग देखने में मिलेगी, मैंने नर्सरी विजिट वाली वीडियो में भी आप लोग के साथ शेयर किया था। बस इसमें आपको करना क्या होता है कि अगर आप गमले में लगा रहे हो तो जो ब्रांचेस हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि फ्लावरिंग आपको देखने में कम मिलती है, वो मैं पॉइंट भी इस वीडियो में क्लियर कर दे रही हूँ कि अगर आपका जो प्लांट है उसकी जो ब्रांचेस हैं बहुत ज़्यादा लैगी हो रही हैं तो आप उसको प्रून कर दें। और प्रून करने के बाद जो है आपका जो पौधा है वो शेप में भी रहेगा, बुशी भी रहेगा और उसमें जल्दी फ्लावरिंग आएगी। और इस पौधे के लिए बेस्ट जो खाद होती है इस समय वो होती है पोटाश, बेस्ट खाद है इसके लिए। बहुत आप जल्दी इसमें अच्छे रिजल्ट देखोगे। सिंपल वे में आपको इसकी प्रूनिंग करनी है और उसके बाद उसको पोटाश दे दें पॉट के साइज़ के अकॉर्डिंग और आप बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसमें देखोगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्लांट है ये है ब्राइडल बुके या क्लिमेटिस वाइन रंजाई बेल। ये पौधा गर्मियों में भी फ्लावरिंग करता है, स्प्रिंग से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे मौसम अच्छा होता जाएगा बारिश के बाद आप देख सकते हो ये पॉट में लगा हुआ मेरा प्लांट है और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। और नर्सरीज़ में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है कि जो है पहले तो सिर्फ ये ऑनलाइन जो है कॉमनली मिला करते थे, लेकिन अब आजकल लोकल नर्सरीज़ में भी बहुत अच्छे से ये मिल जाते हैं पौधे इसके। और इसमें आप देख सकते हो कितनी हैवी फ्लावरिंग हो रही है और शाम के टाइम इसमें खुशबू भी बहुत ही प्यारी आती है, पॉलिनेटर्स को भी ये पौधा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो बहुत ही सुंदर पौधा है, अभी तक नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाएं इसे। फिर नेक्स्ट प्लांट इस लिस्ट का है दुरांता। दुरांता आप अगर हैज बनाना चाहते हो गार्डन में तो भी आप इसे लगा सकते हो या फिर आप अच्छी फ्लावरिंग के लिए इस पौधे को लगा सकते हो। मैंने तो हैज नहीं बनाई हुई है, सिंपल वे में मैंने इसको गमले में ऐसे ही लगा दिया है और ये जिस भी शेप में बढ़ना चाहता है ये बढ़ता रहता है। और इसमें जो है अगस्त एंड से लेके सितंबर में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो गई है, जैसे जैसे जो है अगस्त एंड होता जाएगा इसमें और ज़्यादा फ्लावरिंग बढ़ जाती है। इसके अलावा जो ये प्लांट आप देख रहे हो ये है शूटिंग स्टार प्लांट या फिर एरांथमम लैक्सीफ्लोरम भी बोलते हैं इसको। और इसमें भी जैसे मौसम बारिश के बाद और अच्छा होता जाएगा सितंबर मंथ में, इस पौधे में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। वैसे इसमें स्प्रिंग के बाद से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो है बारिश के बाद इसमें बहुत ही अच्छी नंबर्स में फ्लावरिंग होती है
और इसकी केयर पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक मैं आई बटन पे दे दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो ये पौधा आप देख रहे हो, ये है लॉलीपॉप प्लांट या फिर श्रिम प्लांट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसमें भी आप देख सकते हो कि बारिश का कितना बढ़िया इसके ऊपर असर हुआ है, बहुत ही अच्छी इसके अंदर जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और इस प्लांट की मैंने बहुत ज़्यादा प्रूनिंग करी थी, एकदम हार्ड प्रूनिंग करी थी, उसके बाद आप देख सकते हो कि फिर से इसके अंदर जो है ये ब्रैकेट्स होते हैं, यही इसके फ्लावर्स होते हैं, ये फिर से बनने स्टार्ट हो गए हैं। और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। कई सारी कटिंग वाली वीडियो में भी मैंने आप लोगों के साथ ये पौधा शेयर किया है कि इस पौधे को कटिंग से भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हो। फिर नेक्स्ट प्लांट जो कि बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करता है, जो कि आपको ज़्यादा धूप में भी रखने की ज़रूरत नहीं होती है, बैल्कनीज में जो लोग गार्डनिंग कर रहे हैं, जहाँ धूप की कमी है, धूप कम आती है, वहाँ पर आप ये पौधा लगा सकते हो, पेंटास। और पेंटास जो है, अगर आप बिगनर हो तो प्रेफरेबली आप जो है देसी वाला जो पेंटास होते हैं वो आप लगाएं, आपको काफ़ी अच्छे उसमें नंबर में फ्लावरिंग देखने में मिलेगी। और इनका जो कटिंग होती है भी बहुत आसानी से लग जाती है, तो जो भी कलर्स आपके पास नहीं हैं वो इस समय आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्लांट जो कि बालकनीज में लगाने के लिए या फिर हैंगिंग बास्केट में भी लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है, वो है ये ऑक्सैलिस। ऑक्सैलिस जो है बल्ब इसके आते हैं और गर्मियों में ही इसके बल्ब ग्रो किए जाते हैं, और या फिर प्लांट्स भी ये तो कॉमन है, ऑक्सैलिस ट्रायंगुलरिस इसका जो है पौधे भी आपको नर्सरी में मिल जाते हैं, 40-50 रुपए में छोटे छोटे पौधे नर्सरीज में मिलते हैं। मैंने भी खुद की कई सारी वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो बहुत ही सुंदर ये प्लांट होता है, हैंगिंग में आप लगा लो या फिर पॉट में लगा लो, और बहुत ही लो मेंटेनेंस है। फिर नेक्स्ट बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करने वाला ये प्लांट है आइज़ोरा। आइज़ोरा ये रेड वाला, ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था और आप लोग के साथ मैंने लास्ट ईयर इसको शेयर भी किया था, और तब से जिस पॉट में मैंने इसकी कटिंग ग्रो की तब से इसी में लगा हुआ है। और इसमें देख सकते हो आप काफ़ी सारी जो है अच्छी ग्रोथ हुई है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग इसमें होनी स्टार्ट हो गई है। तो बहुत ही सुंदर ये पौधा है और लो मेंटेनेंस भी है, फुल सन में बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है अगस्त सितंबर मंथ्स में। इसके अलावा जो है बोगनविलास में जो है जैसे जैसे मौसम अब अच्छा होता जाएगा, अगस्त एंड से आप इसमें जो है और सितंबर मंथ्स में आप इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देखने में आपको मिलेगी। बस इसमें आपको जो है जैसे मैंने मधुमालती में बताया कि बस इस समय बेस्ट है कि आप इसकी जो लैगी ब्रांचेस हैं उन्हें काट दें, प्रून कर दें और पोटाश डाल दें, आपको अच्छे रिजल्ट जल्दी देखने मिलेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्लांट है वो है ये हाइब्रिड वाले गुड़हल। हाइब्रिड हिबिस्कस में बहुत अच्छी फ्लावरिंग जो है सितंबर मंथ में होती है, बहुत ही अच्छा ये प्लांट होता है, काफ़ी सारे कलर्स में भी आपको मिल जाता है नर्सरीज में। तो हाइब्रिड हो या देसी हो, सभी तरह के गुड़हल जो होते हैं ये आपको अगस्त से लेके सितंबर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करके देते हैं और काफ़ी खूबसूरत शेड्स में कलर्स में ये मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट प्लांट जो है वो कि बहुत ही आसानी से और सीड से भी आप इसे ग्रो कर सकते हो, वो है ये खूबसूरत से बटरकप। बटरकप बहुत ही ज़्यादा मतलब लो मेंटेनेंस प्लांट हैं, जैसे मैक्सिकन पिटूनियाज होते हैं बिल्कुल उसी के तरीके से इजीली ये लग जाते हैं, और एक बार लगा लेते हो आप तो दोबारा कभी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें बहुत सारे सीड बनते रहते हैं, तो उनसे नए नए पौधे जो है कई सारे गमलों में आपको देखने में मिल जाएंगे और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। फिर नेक्स्ट प्लांट जिसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है अगस्त एंड से सेप्टेम्बर में आप देखोगे, वो है ये लैंटाना। और हाइब्रिड वेराइटी के जो लैंटानाज होते हैं उनमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आपको देखने में मिलेगी, और इसकी केयर पे भी मैं वीडियो बना ही चुकी हूँ, आप लोग के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। और ये लैंटाना कैमरा के नाम से जो है, अगर आप इसे सर्च करोगे तो ये लैंटाना कैमरा के नाम से आता है, और बहुत ही सुंदर ये प्लांट है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हो वो है ये चांदनी। चांदनी के पौधे जो होते हैं इनमें भी आपको इस समय बेस्ट है कि अगर इनकी ब्रांचेज आपके पौधे आपने लगा रखे हैं उनकी लैगी हो गई हैं तो उनको आप प्रून कर दें, उससे जो है ये बूशी भी हो जाएंगे, इनका अच्छा शेप भी आ जाएगा, साथ ही साथ आपको इसमें नई ब्रांचेज में बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी देखने में मिलेगी। ये पौधा भी मेरा जो है 1 ईयर ओल्ड है और मैंने बारिश के मौसम में इसकी प्रूनिंग कर दिया था, उसके बाद इसमें बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और पोटाश फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा रहता है इस समय सभी पौधों के लिए जो हार्डी है, फुल सन में रहने वाले पौधे हैं।
इसके अलावा जो हाइब्रिड ये अडेनियम होते हैं इस तरीके के, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल शेड्स में आपको मिल जाते हैं। इनमें अगस्त से एंड से लेकर सितंबर मंथ में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और मेरे ये सारे जो पौधे हैं ये अब फिर से जो है इनमें मतलब थर्ड राउंड इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। पहले इसमें गर्मियां जब तेज़ थी तब भी फ्लावरिंग हुई थी, उसके अलावा बारिश के दिनों में भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और अब जैसे जैसे बारिश जा रही है फिर से इसमें अच्छे से बर्ड्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। और तेज़ जब बारिश हो रही थी तो इसमें थोड़ा सा फ्लावरिंग कम हो गई थी, बट अब जैसे जैसे धूप तेज़ होगी तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस शेड्स में ये मिल जाते हैं। मैंने बहुत सारी नर्सरी विजिट वाली वीडियोज़ में आप लोग के साथ शेयर भी किए हैं। इसके अलावा जो ये कनेर होते हैं हाइब्रिड वैरायटी वाले, इनमें आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग देखने मिलती है, ख़ास तौर पे अगस्त सितंबर में। इसके अलावा जो ये हाइब्रिड वाले कचनार के पौधे हैं, तो जो देसी वाले होते हैं वो स्प्रिंग टाइम में फ्लावरिंग करते हैं, बट ये जो हाइब्रिड वैरायटी वाले होते हैं, ये येलो वाला और वाइट वाला, जो कि मैंने कई सारी नर्सरी विजिट वीडियोज़ में आप लोग के साथ शेयर भी किया है, तो ये जो कचनार के पौधे हैं हाइब्रिड वैरायटी के, ये आपको अगस्त एंड से लेकर सितंबर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करके देते हैं, और इनकी कटिंग से भी आप इसे ग्रो कर सकते हो। फिर नेक्स्ट प्लांट जो है ये है साइप्रस वाइन। साइप्रस वाइन में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स आते हैं, और रेड पिंक और वाइट कलर्स में ही आता है, और सीड से बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। तो सीड्स अगर एक बार आप इसके लगा लेते हो तो गार्डन में दोबारा कभी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें इतने सारे सीड्स बनते हैं वो कहीं ना कहीं गिर जाते हैं किसी भी पॉट में, तो वहाँ से नया पौधा निकलने लग जाता है। अब ये जो प्लांट है ये मैंने लगाया नहीं था, ये मेरे नागचंपा वाले गमले में खुद से ग्रो हो गया है, और इसने बिल्कुल नागचंपा को पूरा ढक लिया। आप देख सकते हो नागचंपा के फ्लावर्स पीछे दिख रहे हैं, पर इसने काफ़ी एकदम कवर कर लिया है पॉट को। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।